नमस्कार, मैं हूं अंसारी और आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर, 24/7 खबर आप तक। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की तरफ। आप आज को रूबरू कराऊंगा एक ऐसी सनसनीखेज से जिसको सोचकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आपको अवगत करा दें कि जनपद बहराइच के इलाहाबाद बैंक नवाबगंज, ये ताज़ा मामला इलाहाबाद बैंक नवाबगंज का है, जहां पर अमित कुमार जायसवाल जो कि कैशियर के पद पर पोस्ट हैं, इनके द्वारा आए दिन कस्टमरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आज के विपरीत कुछ ही दिन पहले दुर्व्यवहार किया गया था, जिस संबंध में थाना अध्यक्ष महोदय को शिकायत की गई थी, उस पर कुछ राजनीतिक तत्वों के जरिए समझौता भी करवाया गया था, लेकिन कैशियर महोदय को जरा सा भी कस्टमर के सम्मान का ध्यान नहीं, उनकी हरकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही। आज इसी क्रम में उन्होंने एक सम्मानित आदमी को बैंक में बेइज्जत कर दिया। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज के मामले से। मामला है कैलाश नाथ स्वर्गीय राम कुमार, ग्राम चौगड़वा नवाबगंज का। इन्होंने अपने बैंक से खाता संख्या 21-52-28-64-621 से 75,000 रुपये लगभग 1:30 बजे के आसपास इन्होंने निकाला, जिसमें 7 नोट 500 के कटे हुए थे, जिसको काउंटर पर खड़े खड़े गिन करके उसकी छटाई कर इन्होंने जब कैशियर से वापस करने की बात की तो कैशियर ने इन्हें अभद्रता से पेश आते हुए धक्का देकर बैंक से बाहर कर दिया, ऐसा पीड़ित का कहना है। पीड़ित ने इस संबंध में अपनी बाइट दी है। जब शाखा प्रबंधक महोदय से बात की गई तो उन्होंने कहा, हमने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, लेकिन अगर अगला अभद्र व्यवहार कर रहा है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, ये आप जो भी हमारे कर्मचारी हैं ये जोनल से मिलते हैं, शिकायत जोनल पर कीजिए। प्रार्थी ने तत्कालीन श्रीमान जोनल मैनेजर जोनल ऑफिस बहराइच को लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनको भी शिकायत देने की बात कही है और थाना अध्यक्ष महोदय को शिकायत देने की बात कही है, फिर भी अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। अमित जायसवाल की दबंगई चरम सीमा पर, दिन ब दिन कस्टमर होते हैं बेइज्जत। जनपद बहराइच से आरके वर्मा की रिपोर्ट। क्या है मामला आपका? मामला ये है कि बैंक में आओ तो कर्मचारी कोई का काम सुनते नहीं है, बाजी दौड़ाते रहते हैं और शुद्ध काम नहीं करते हैं, और जो होता है उसको घर की लेके कहते जाइए, चाहे जहाँ जाइए कुछ भी करिए, हमारा कुछ नहीं होगा। आपका शुभ नाम क्या है और क्या समस्या है आपकी? कैलाशनाथ सना फर्जी राम कुमार, ग्राम चौगड़वा, पोस्ट नवाबगंज, तहसील ननपारा, थाना नवाबगंज, बहराइच का निवासी हूँ। मैंने अपने खाता संख्या 215-228-64-621 से 75,000 रुपये विड्राल करने के लिए आज दिनांक लगभग 1 बजे मैं इलाहाबाद बैंक शाखा नवाबगंज में आया, विड्राल भरा। अमित कुमार जायसवाल जो हेड कैशियर थे, काउंटर पर बैठे हुए थे, उन्होंने हमको 75,000 रुपये कैश हमारे हाथ में दिया। तत्पश्चात मैंने कैश काउंटर बिना छोड़े हुए मैंने 75,000 की नोट की गिनती की, जिसमें 7 कटे नोट अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाए गए। मैंने उन कैशियर महोदय से अनुरोध किया कि हमारे जीर्ण शीर्ण नोटों को आप बदल दें, जिस पर कैशियर बिखर पड़े गाली गलौज करते हुए और मुझसे इतनी बैंक में अभद्रता दिखी कि मैंने सब नोट देख कर दिया है, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपने कहीं ना कहीं से मिस्टेक आपसे हुई है, लेकिन वो नहीं माने। फिर जब आगे थोड़ी बात हुई तो मैनेजर साहब ने मध्यस्थता करके हमको उन 7 नोटों को जो 5-500 के थे 3500 रुपये को अपने सामने बदलवाया, जिसमें बैंक के सभी लाइन में लोग भी खड़े हुए थे और महिला सिपाही भी खड़ी हुई थी, होमगार्ड भी खड़े हुए थे। सभी लोगों ने माना कि जो है बैंक से वो हटे नहीं हैं, अपने काउंटर पर जमे रहे हैं, इसमें सारी गलती कैशियर की है, उसने गाली गलौज अभद्रता की है, इससे बैंक जो है चलने वाला नहीं है। मैंने मैनेजर साहब से अनुरोध किया कि उचित जांच कर करके और कैशियर के खिलाफ कार्रवाई की करें। इस संबंध में आपने स्थानीय थाना पर जानकारी दी है या नहीं दी है? हाँ, मैं जा रहा हूँ और जानकारी इसकी दे दूँगा। चाचा, आपने कितने नोट निकाले बैंक से? 1,60,000। उसमें कितने नोट कटे निकले? 1 नोट निकला। तो 1 नोट जब आपका कटा निकला तो आपने वहाँ पे वापस करने के लिए अपील की? नहीं वापस हो गया। आप लोगों की क्या समस्या है?
आपका क्या नाम है? जहूर खान। कहाँ रहते हैं? जहूर पटिया। आप लोगों की क्या समस्या बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको